बना दे, छप्पन भोग बना दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, एंड ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेनसडे की शाम से। छुटपुट अंधेरा हो गया है, डिनर बना रही हूँ। तो बच्चों से मैंने पूछा तो स्पेशली चिंकी ने बोला कि वहाँ बाहर का खा खा के मैं परेशान हो गया हूँ मम्मी, एकदम नॉर्मल जो हमारे सिंपल खाना घर में हमेशा से हम खाते आए हैं बस वही खाएंगे। तो यहाँ बनाने लग गई थी मूंग की दाल, वो भी मसाले की, बड़ी बढ़िया बनती है। रेसिपी पूरी शेयर कर रही हूँ, ट्राई कीजिएगा। तो मूंग की दाल को अच्छी से मैंने चुन लिया है, वैसे तो कोई कंकड़ वंकड़ इसमें था नहीं, फिर भी बनाने से पहले एक बार देख लो तो सही रहता है। और इसको वॉश कर लिया है, और धोने के बाद में मैंने मूंग की दाल के लिए मसाला पहले ही कर लिया है। तो वो एक प्याज, एक छोटा सा टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक लहसुन, बस यही उसमें है। और आप चाहें तो टमाटर को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो बस एक प्याज एक टमाटर ही ले ली थी और यहाँ पे धो ली थी दाल। तो कुकर चढ़ा के मैंने सरसों का तेल डाला है, तेल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मसाला डाल दिया है। तो मसाले वाली ये वाली जो दाल है ये बड़ी बढ़िया लगती है, रोटी चावल में दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है। तो पूरा मसाला मैंने समेट के डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से दाल को भून लूँगी। पहले मसाला थोड़ा सा भून ले रही हूँ और उसके बाद में फिर इसमें दाल डाल के मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। तो मैंने सोचा था कि चलो दाल चावल आलू की भुजिया और रोटी पराठे जो लगेंगे बना दूँगी, तो उसी के लिए मैंने थोड़े से आलू भी निकाल लिए थे। और यहाँ तब तक मसाला भुन गया था तो दाल डाल दी है, और इसको भी थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड ही भुनना है क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल बहुत कम डाला है मैंने। तो रोज़ के खाने में भी थोड़ा ऑयल जैसे कम रखें तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है और सरसों का तेल अच्छा रहता है। रिफाइंड में तो खाना बनाना ही नहीं चाहिए, कभी कभी जैसे पूड़ी वगैरह बनाई तो वो बात अलग रहती है। और हिसाब से पानी डाल के मैंने कुकर को मीडियम गैस पर चढ़ा दिया और इसमें लगाई थी मैंने दो सीटियाँ। तो दो सीटी लगने के बाद में गैस को मैंने रिलीज़ होने दिया था। यहाँ मैंने चार पांच आलू निकाल लिए थे आलू की भुजिया बनाने के लिए। आलू मटर बना रहे हैं। आलू मटर बनाओ। हाँ। दाल बनाई है, मूंग की मसाले की दाल बनाई है, चावल बना दिया है, इसकी भुजिया बना रहे हैं। नहीं, आलू मटर बना रहे थे। ओहो, तो दाल मत बनाते, सिर्फ आलू मटर बना रहे थे। आलू मटर बना दे, ये बना दे, छप्पन भोग बना दे। आलू मटर और चावल अच्छा लगता है। तो पहले क्यों नहीं बोले? तो आपने क्यों बोला कि दाल? काम करते करते मैंने नल खुला छोड़ दिया। आलू मटर बनाओ। बच्चों के मन और चॉइस ऐसे चेंज होती है ना, ऐसे चुप की वजह। मैंने सोचा कि दाल चावल आलू भाजा पसंद है तो वही बना लूं, जल्दी भी बन जाएगा, सब निपट जाएगा। अब देखो मसाला किया था इसके लिए, आलू मटर बनाना था तो साथ में कर लेती। तो चलो फिर भी ठीक है, मैं तो आलू की भुजिया के लिए काटने ही जा रही थी आलू, तब तक आंचल ने बोल दिया तो ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर यहाँ मैंने ये दो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, हल्दी और धनिया पाउडर डाला था, लाल मिर्ची पाउडर डाला है हिसाब से, और एक छोटा टमाटर डाल रही हूँ। इसमें भी आप टमाटर को स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मसाला पीस लिया था। जब
जब तक यहाँ मसाले की तैयारी की तो वहाँ दो सीटियाँ लग गई थी और गैस पूरी रिलीज़ हो गई है, तो कुकर खोल दिया है मैंने और कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, हल्की सी गाढ़ी भी होगी ये दाल तो सही है, जैसे रोटियां बनेंगी स्पेशली, थोड़ा चावल भी बना लिया था। और ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने और जिस बर्तन में मैं पलटूंगी दाल को तो उसी में ही मैंने ये धनिया करके रख दिया है, तो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर मैंने दाल डाल दी है। इतनी बढ़िया दाल बनी थी स्पेशली रोटी के साथ, तो मज़ा आ गया था एकदम। तो यहाँ दाल बन गई थी और यहाँ फिर से मैंने कुकर को धो के चढ़ा दिया है, तो सरसों का तेल डाला है और अच्छी तरीके से घुमा दिया है, तेल गरम हो गया तो दो तेज़ पत्ता डाले हैं और जो मसाला किया है वो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मसाला डाल दिया था और मसाले को मैंने भुना नहीं है, बस साथ के साथ ही मैं जो आलू मटर है सब्जियाँ वो मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं और पूरी सब्जी बनने के बाद में फ्राई किया हुआ पनीर या ऐसे ही पनीर भी डाल सकते हैं। फिलहाल आलू मटर की सब्जी बनाई थी, नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लिया है, तो सब्जी मसाला दोनों ही इस टाइम पे भून गया है। इसका टेस्ट एक डिफरेंट टेस्ट आता है और वो भी बहुत अच्छे वे में। तो अच्छी तरीके से सब्जी भुन गई है, तो एक एकदम छोटा कप है उसका मैंने पानी डाला है, जो मेरे पास वाइट कलर का कप लटका हुआ रहता है स्टैंड में, बस उस उतना ही मैंने डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली मुझे सब्जी नहीं बनानी थी और ग्रेवी के तौर पे दाल थी ही। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करके कुकर को बंद कर दिया था, काउंटर को क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं अब बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद में रोटी। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था ना, ये वाला ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन मिल जाता है, अष्टविनायक। इतना अच्छा है। तो जैसे आपको भूख लगी मंचिंग के लिए, और ऐसे भी बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स है, क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी है। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था, अभी थोड़ा सा टाइम है मुझे खाना खाने में, इसे बन जाए फटाफट रोटियाँ बनाऊंगी उसके बाद में, थोड़ी हल्की सी जैसे भूख लग रही है। अभी बस एक आध पैकेट ये बचे हुए हैं, हम लोग स्पेशली शाम के टाइम पे ये ज़रूर खाते हैं। ये रोस्टेड आलमंड्स है और वो भी सॉल्टेड, बहुत अच्छे लगते हैं। तो सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों ही अवेलेबल है। अगर आपको किसी को भी कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा वेबसाइट का दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कीजिएगा। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेश भी है और आज आप समझ लो कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीना, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, 6 महीने से ऊपर ही हो गए हैं और एक्सपायरी डेट भी अभी तक इसकी सही है और क्रंच बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो कोई कोलैबोरेशन नहीं है किसी ब्रांड के साथ, कुछ नहीं है, बस मुझे पर्सनल बहुत पसंद आया है ये, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इसमें 2 सीटी लग जाएगी फिर बनाऊंगी रोटी। तो कुकर में यहाँ 2 सीटियाँ लग गई थी तो प्रेशर को मैंने खुद ही रिलीज़ कर दिया और तेज पत्ता निकाल दे रही हूँ और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मुझे ऐसी ही सब्जी चाहिए और वैसे भी आलू की सब्जी है तो थोड़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो ही जानी है बाद में। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था और ऊपर से हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच देसी घी का इस टाइम पर डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मैंने फ़िलहाल नहीं डाला था। तो यहाँ ये वाली सब्जी भी बन के रेडी हो गई, तो इसको भी मैं साथ के साथ ही बर्तनों में पलटती जा रही हूँ, फिर रात में जब सबका खाना हो गया फिर छोटे बर्तनों में पलटा है मैंने, अभी बड़े बड़े बर्तन थे तो फिर पलट के संग मुझे फिर बर्तन भी धोने थे, यहाँ लगा दी थी प्लेट। तो ये था हमारा सिंपल सा डिनर, मूंग की मसाले की दाल, आलू मटर मसाला, घी की रोटी, पापड़, चटनी और सूखी मिर्चें पापड़ के साइड में यहाँ छुप गई हैं वो भी थी। तो सिंपल सा खाना है, सिंपल सी थाली है, मगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थाली है। अरे भाई काम नहीं करूं क्या?
तो यहाँ बच्चों का भी खाना लगा दिया था और मैंने भी साथ में ही बैठ के खा लिया था। उसके बाद में फिर यहाँ करने लग गई थी किचन क्लीनिंग। तो साथ के साथ हाथ चलता रहता है, थोड़े थोड़े बर्तन कंटिन्यू धोना होता ही है, फिर भी खाना वगैरह बनता है तो बर्तन तो जमा इतने हो ही जाते हैं। तो अच्छा खासा बर्तन मैं भी धोती हूँ, मेरी हाउस हेल्पर आती हैं, उसके बावजूद भी कमेंट सेक्शन में कई बार ये चीज़ आती है कि सारा काम तो आप ही करती हुई दिखती हैं, तो आपकी हाउस हेल्पर करती क्या है। तो डियर, वो लिमिटेड काम करती हैं, जिस टाइम वो आती हैं झाड़ू पोछा और उस टाइम जितना बर्तन रहता है काउंटर वगैरह सारा क्लीन करके वो चली जाती हैं। बाकी घर में 70 काम रहते हैं, आप चाहे कितने भी काम कर लो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये भी आता है कमेंट सेक्शन में कि क्या आप वीडियो में दिखाने के लिए इतना काम करते हैं। तो वीडियो में दिखाने के लिए अगर कोई काम करेगा डियर, तो आप ये सोचिए कि एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन करके दिखाएगा, रोज़ रोज़ नहीं खटेगा इतना कोई अपने शरीर से। तो ये तो समझने वाली बात है। तो मुझे तो ऐसे कॉमेंट्स पर बस हंसी ही आती है। तो चलिए, वहाँ पूरा सब कुछ क्लीन करने के बाद में, उसके बाद मैं 2 मग्गा पानी डाल के नहाई, नहाने के बाद मैं जलधारी को भर के मंदिर की लाइट बंद की है और उसके बाद मैं सोने चली गई थी। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि थर्सडे। तो बहुत सारा काम सुबह से निपटा चुकी हूँ, नहाने जाऊँगी, उससे पहले पूरी बालकनी को मैं सर्फ और डेटॉल के पानी से वॉश कर रही हूँ और उसके बाद एक मग पानी में फिनाइल का डाल देती हूँ। और वही है कि नीचे सुबह हो गई है तो मछली वाला मछली बेच रहा है, पेपर वाला पेपर बेच रहा है, भंगार वाले सुबह से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, बहुत सारे आते हैं मेरी गली में। तो बस यहाँ पे वॉश करने के बाद में, उसके बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैंने थर्सडे येलो तो नहीं पहना था, ये वाला सूट बहुत दिनों के बाद मैं पहन लिया था। तो इसका जो पैंट है ना वो बिल्कुल गला हुआ कपड़ा निकला था, बेकार था। तो इसमें जो नेक लाइन है इसकी, इसमें हल्का सा रेड रेड है, तो बस रेड वाला ही ये पैंट है, इसको मैंने मैच करके पहन लिया। तो चलो, कुर्ती और दुपट्टा तो काम में लग जाएंगी, पैसे आए कम से कम वसूल हो जाएंगे। तो नहा ली थी, यहाँ पे खिड़की खोल दी है और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो पूजा करूँ उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी और सारी मंदिर की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं बेलपत्र चढ़ाया है और ये जो 108 चावल के दाने मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ तो इसी की देखिए पैकेट बना के रखती हूँ, तो कितना आसान हो जाता है। अब आप सोचो कि इसी टाइम में गिनने के लिए बैठूँगी एक एक चावल, तो बहुत देर हो जाती है फिर। तो ये सब जल्दी वाले काम हैं तो इनको करके रखना ही सही रहता है। जलधारी लगा दी और भर दी है जलधारी। तो बस यहाँ पे आरती कर ली थी और फिर उसके बाद में फिर लगी थी अपने घर के काम में। अच्छा, बहुत जल्दी ही मैं एक व्लॉग लेकर आऊँगी सिर्फ अपने मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कमेंट सेक्शन में ये क्वेरीज आती हैं, कमेंट आता है कि आपने ये मंदिर कहाँ से ख़रीदा है, कैसे आपने डेकोरेट किया है, कैसे सब कुछ मैनेज करके आपने ये मंदिर को रेडी किया है। तो बस वो पूरा फुल व्लॉग जो रहेगा वो इसी के ऊपर ही रहेगा, तो काफ़ी जल्दी मैं लेकर आऊँगी। और यहाँ मैंने 4 पैकेट बना ली हैं चावल की, तो 4 दिन चलेगी ही, 1-2 खाली होती है मैं तभी भरने लग जाती हूँ, तो इससे आसानी रहती है। तो यहाँ अच्छी तरीके से गार्डर लगा दिया है, 4 पैकेट बना के रख दी और उसके बाद में ये वाली जो प्लास्टिक है इसमें चढ़े हुए फूल वगैरह रहते हैं तो मेरी जो हाउस हेल्परें जाती हैं तो ले जाके तालाब में डाल देती हैं। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी, हॉल की लाइट को बंद करके सीधी यहाँ चली आई हूँ सनस्क्रीन लगाने। और सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि देखिए एज जो है ना वो बस बढ़ती चली जा रही है, घट तो रही नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो जीवन तो घट ही रहा है अगर एज बढ़ रही है तो। बट आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करो, क्योंकि अभी मुझे भी जाके गैस के सामने ही लगना है, चाय बनेगी, नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, तो इतनी जो हीट लगती है ना तो काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है आपकी स्किन को, तो ज़रूर अप्लाई किया कीजिए। और फिर से ये क्वेरीज आएगी, मुझे पता है कि मैंने कौन सी सनस्क्रीन लगाई है, तो डर्मा कंपनी की है,
एक्वा हेलोरोनिक जेल है ये सनस्क्रीन, ठीक है, बहुत अच्छी है, ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने चाय के लिए दूध चढ़ा दिया है, गैस स्लो कर दी है और अपने लिए बनाऊंगी सत्तू। तो मैं कैसे डेली बेसिस पे सत्तू लेती हूँ, डेली एक्चुअली मैं थोड़ा रोटी सब्जी ही खाती हूँ, नाश्ते में दो रोटी, बट ज़्यादातर मैं सत्तू भी लेती हूँ। वीक में कुछ नहीं तो तीन दिन चार दिन अभी मैं सत्तू ले रही हूँ, पहले मैं डेली ही सत्तू ही पिया करती थी और इसी को पी के मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो यहाँ मैंने एक ग्लास से ज़रा सा कम पानी लिया है और ये 100 ग्राम के करीब मैंने सत्तू लिया है, हमारा पूरा मेज़र किया हुआ है। और भुना हुआ जीरा मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम पसंद है, काला नमक डाला है हिसाब से और आधा नींबू। तो ये बस मैं ऐसे ही पीती हूँ, पहले मैं प्याज मिर्ची डाल के पिया करती थी बट अब नहीं डालती, मन नहीं करता। तो बस इसको अच्छी तरीके से एकदम रई से चला लीजिए, पानी पहले ही डालिएगा जिस बर्तन में भी आप बना रहे हैं, उसके बाद ही सत्तू डालिएगा। तो वो क्या होता है कि सत्तू नीचे बैठता नहीं है, मतलब जम नहीं जाता है। तो ये भी टिप ऑफ द डे है और बस यहाँ पे ले लिया था, उसके बाद बस नाश्ता मैंने इसी का कर लिया था। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको मेरी सिंपल थाली भी पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।